उसी में असद उमर जो हर रोज इसको मॉनिटर करते हैं, डॉक्टर फैसल हैं जो कि मेडिकल ओपिनियन देते हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे ये आपसे मुख्तसर बात करें और आपको समझाएं कि हम किधर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमने एहतियात ना की तो ये मुल्क किधर जाएगा। जी असद जी, शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। आज के जो फैसले हुए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फैसला तो जैसे वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि क्योंकि आगे खदशा नज़र आ रहा है कि बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े, तो NCOC को हदायत दी गई है कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिलकर पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए और किस तरीके से ये काम करना है और जो लोगों को उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उससे बचाने के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। दूसरा फैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाजार हमारे खुलते हैं 6